कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल नुपुर्स क्रिएटिव आर्ट में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कोबर स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग, जो कि बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको विजिट करके देख सकते हैं, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी न्यू वीडियोस मिलेंगी। ये स्टाइल चल रहा है मधुबनी का, तो इसमें फोर्थ नंबर का जो पेंटिंग है वो है हमारा कोबर पेंटिंग। और ये मोस्टली बनाया जाता है जब वर वधु का जब विवाह होता है तब उसके कक्ष में बनाने वाला ये एक पेंटिंग होता है, जो कि उनको एक ब्लेसिंग्स के रूप में आप गिफ्ट कर सकते हैं उनके घर में। और इस टाइप के ब्लेसिंग्स, उनकी शादी जो जिंदगी है वो अच्छे से चले और उनका जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो, तो इसलिए ये पेंटिंग बनाई जाती है मोस्टली। तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है, जैसे कि शिव पार्वती माता, सूर्य चंद्रमा और बहुत सारे पेड़ पक्षी और बहुत सारे जंतु छोटे छोटे से। इस टाइप की छोटी छोटी डिटेलिंग से ये पेंटिंग बनती है और मैं आपको ये पेंटिंग शो करती हूँ। तो चलिए देखिए इस पेंटिंग को, और इस पेंटिंग को देखिए कितनी डिटेलिंग के साथ मैंने बनाया है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। और एक एक बारीकी का इसमें काम किया गया है, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको मेजरमेंट लेके नहीं बनाएंगे तो आपका जो डिजाइन होगा वो सेंटर एरिया में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं और इस टाइप की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले तो हमें दोस्तों कलर बनाना है, तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए कलर बनाते हैं हमारी पेंटिंग के बैकग्राउंड के लिए। जिस टाइप से हल्दी का टेक्सचर होता है येलो कलर का, उसी टाइप से मैं इसमें हल्दी का टेक्सचर लाने के लिए येलो कलर का ये शेड है क्रोम येलो 03, इसका यूज़ करूँगी। तो इसका ये भी डार्क कंसिस्टेंसी में है एक्रेलिक कलर, और इसको मैं लाइट कंसिस्टेंसी का बनाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा इसको पतला कर दूँगी वाटर को ऐड करके, इसमें मैं इसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को बनाऊँगी, और जिससे कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हल्का सा येलो कलर मेरी ड्राइंग शीट के ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कोबर क्या होता है। तो कोबर जो होता है, कोबर दो शब्दों से मिलके बना है, कोह और बर। कोह का मीन्स होता है गुफा और बर का मीन्स होता है दूल्हा। तो जो दूल्हे का कक्ष होता है या कमरा होता है उसको ही हम कोबर कहते हैं। कोहबर आज भी इसी नाम से प्रचलित है और ये आज भी बिहार के मधुबनी में, दरभंगा में भव्य रूप से बनाया जाता है। अब फ्रेंड, जो मार्केट में आने वाली जो चार्ट पेपर है जिसमें हम बड़ी बड़ी सी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो इस पे ही हम अब बनाना स्टार्ट कर देंगे अपनी पेंटिंग को। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन येलो कलर वाला, और इसे को अच्छे से बड़े से ब्रश से आप इस टाइप से पेंट कर दीजिए। अब दोस्तों हमें जो भी पेंटिंग बनानी है उसको हम परफेक्ट मेजरमेंट लेके स्केल से अपनी पेंटिंग में सबसे पहले हम रफ स्केचेस बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है, तो जिससे मुझे आइडिया मिल गया है बॉर्डर का डिज़ाइन इतना इतना आना है, और बाकी के जो फिगर होंगे वो इसके अंदर के पोर्शन में आएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और वहाँ से एक लाइनिंग दे देंगे। स्केल की हेल्प से सबसे पहले इस ड्राइंग शीट को पूरा मेज़र कीजिए, फिर उसका जो मिड पॉइंट आएगा वही हमारा सेंटर हो जाएगा, और फिर सेंटर में पार्टीशन के लिए हमें एक लाइन बनानी है। तो स्केल से आप पेंसिल की हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, और जब सारे डिज़ाइन हमारे बन जाएंगे तो हम पेंसिल वाले मार्क को रिमूव कर देंगे इरेजर की हेल्प से। तो दोस्तों जो कोबर होता है वो बिहार के झारखंड की एक लोक कला है। कोबर चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का यूज होता है, मसलन लाल, काला, पीला, सफ़ेद रंग की छाल व मिट्टी से ये कलर बनाए जाते हैं। लेकिन मैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए केवल बैकग्राउंड के रूप में येलो और रेड कलर को यूज़ करूँगी जो पेंटिंग बनेगी उसमें, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो उस पूरी पेंटिंग को मैं डिज़ाइन करूँगी केवल और केवल रेड कलर से। तो दोस्तों जो सफ़ेद रंग के लिए दूधी मिट्टी का इसमें यूज़ होता है, एवं काले रंग को किस तरह से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है भेलवा पेड़ के बीज को पीसकर। इस पेंटिंग में प्राकृतिक ब्रश ही यूज होते हैं, जैसे कि हमारी उंगलियां, लकड़ी की कंघी,
और दातून से इसके चित्र को बनाया जाता है। मिट्टी के घरों के अंदरूनी दीवारों पर ब्लैक एंड वाइट बिल पत्ते बनाए जाते हैं और उनमें मोर के डिजाइन बनाए जाते हैं। विवाह के समय पर घर के किसी एक पूर्वी दिशा में यह कोहबर की चित्रकारी की जाती है। वर वधु दोनों के पक्ष के घर में विवाह की विविध रस्मों में से एक कोहबर पूजन भी होता है, जिसमें भीत पर बने हुए कोहबर को पूजा जाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान कुछ विशेष संस्कार गीत भी गाए जाते हैं, जिनको हम कोहबर गीत कहते हैं। तो इसमें दोस्तों वर वधु के बीच में प्रेम भाव बढ़ाने की भावना होती है। कोहबर उस घर के कमरे को भी कहते हैं जहां पर ये इन चित्रों को बनाया जाता है। वधु को आगमन पर इसी कक्ष में रहना होता है। कोहबर कला महिला प्रधान चित्रकला है। इस चित्रकला में ज्यादातर महिलाएं ही निपुण होती हैं। तीज त्योहार एवं विशेष अवसरों पर अरिपन, पुरहन और कोहबर लिखने के लिए प्रत्येक घर में कोई ना कोई दक्ष महिला अवश्य होती है और इस कला का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक मिथिला समाज में नए संस्करण के साथ विद्यमान है। अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से महिलाएं जो चित्र बनाती हैं, उन चित्रों को सांकेतिक अर्थ भी होते हैं। इन चित्रों में हाथी, शेर, तोता, सांप, मछलियां, मोर, बांस, फल, हल, ओखली, शिव पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, कुल देवता, अष्टदल कमल, मंडला यंत्र और स्त्री पुरुष और नैना जोगिन आदि होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं, जैसे मछली, कछुआ, बिच्छू, सांप का जोड़ा, शंख, इस टाइप की आकृतियां इस चित्र में बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम अपनी पेंटिंग को मेजर कर लेंगे। विवाह के अवसर पर घर के किसी एक कमरे में पूर्वी दिशा में ये दीवार पर गोबर से लीपकर पिसी हल्दी और पिसे चावल के घोल से ये चित्रकारी को बनाया जाता था और कोहबर घर की चित्रकारी सुहागिन स्त्रियां ही करती थीं। मान्यता है कि इस घर में देवता पितरों का आशीर्वाद वर वधु को प्राप्त होता है और विवाह की शुरुआत से लेकर संपत्ति तक के सभी रीति रिवाज इसी घर में संपन्न किए जाते हैं। एक प्रकार से नव जो वर वधु के जीवन की शुरुआत का ये साक्षी भी होता है कोहबर घर, और कोहबर के चारों कोनों पर नैना जोगिन का चित्रण भी किया जाता है। माना जाता है कि नैना जोगिन का चित्रण बौद्ध धर्म के प्रभाव से गृहस्थ जीवन को बचाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों मिथिला के गृहस्थ जीवन पर जब बौद्ध धर्म का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो उससे बचने के लिए लोक कला जो लोग विश्वास रखते हैं उससे नैना जोगिन के चित्रण की परंपरा भी स्टार्ट हुई थी। इसके लिए चारों दिशाओं को तांत्रिक विधि से साधा जाता था और कोहबर घर के उसके चारों कोनों में नैना जोगिन का चित्रण करके उसको बांधा जाता था। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पेंटिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे डिजाइन है, वो बना लिए हैं पेंसिल की हेल्प से। और जब ये डिजाइन बन जाएंगे तब मैं इसके बाद इन सभी पेंसिल के मार्क को इरेजर की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। तो सबसे पहले ले लीजिए बारीक काम करने के लिए रेड कलर का जेल पेन। अब देखिए दोस्तों, जो हमें बारीक काम करने थे वो तो हम कर लेंगे रेड कलर के जेल पेन से, लेकिन जहाँ पे फिलिंग वाला काम होगा उसको हम करेंगे निप पेन से। तो कहीं कहीं पर मोटे मोटे से डिजाइन बनाने होंगे हमें पेंटिंग में, तो उसके लिए मैं ले लूँगी ये कैलीग्राफी का 4 निप सेट वाला ये पेन। तो इसको मैं यूज़ करूँगी पेंटिंग में। अब तो इसका जो साइज मुझे चाहिए था उसमें से एक निब मैंने चूज़ कर लिया है, जो कि मुझे लग रहा था कि इतना ही मुझे ड्राइंग अपना जो पेंटिंग का है वो उसी से परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों मैंने उसका निब चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे ले लेंगे हम रेड कलर का एक्रेलिक कलर। अब इस एक्रेलिक कलर में हमें ऐड करना होगा कुछ वाटर, जिससे ये एक इंक की तरह फ्लो बन जाए, इसका पेन से हमारा अच्छे से ये पास होने लगे।
अब देखिए फ्रेंड, पेंटिंग पर डायरेक्ट इसको अप्लाई करने से पहले हम इससे यूज़ करना सीख लेते हैं कि इससे हमारा जो इंक है वो किस टाइप से फ्लो हो रहा है पेन से, और अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड कर देंगे, ताकि जो निब का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसमें कैपिलरी ट्यूब टाइप की होती है, वहाँ से हमारा इंक अच्छे से पास होने लगे। गोबर कला की शुरुआत दोस्तों जो हुई थी वो श्री राजा राम और जानकी के विवाह के समय से हुई थी। उस समय राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के अवसर पर अपनी प्रजा से नगर को सजाने एवं बारातियों के स्वागत में अपने अपने घरों पर घर की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने के लिए आग्रह किया था। उसी समय से ये जो लोक कला है वो बनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि जिस सीता के विवाह से ये लोक कला शुरू हुई थी, उसी सीता माता के विवाहिक जो चित्र हैं उनको इसमें नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उनका जो सीता माता का जो आपने देखा ही है कि जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा सुखद नहीं माना जाता है। इसीलिए कोबर में सीता राम के युगल जोड़ी को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के चित्र बनाने की परंपरा रही है। कोबर में जो चित्र बनते हैं उसका संबंध वर वधु से होता है। इसमें उन वस्तुओं का अंकन होता है जिसमें कि दंपत्ति के बीच निकटता स्थापित करके प्रजनन, उर्वरता और वंश वृद्धि को उनके बढ़ावा मिल सकते। तो कह सकते हैं कि वर वधु को अप्रत्यक्ष रूप से यौन शिक्षा देने के उद्देश्य से कोबर में अनेक सांकेतिक चित्र उकेरे जाते हैं, और नवविवाहित को कोबर के माध्यम से शिक्षित करने की यह अद्भुत लोक परंपरा प्राचीन युग से चली आ रही। इसमें जो चित्र बनते हैं उसका संबंध वर वधु के मिलन के लिए सांकेतिक रूप से तैयार करने के लिए होता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र होता है बांस और कमल दल, जिसे पुरैन कहते हैं। पुरैन स्त्री जननांग तथा बांस जो है पुरुष जननांग के प्रतीकार्थ के रूप में चित्रित किए जाते हैं। अटल साक्षी के रूप में चंद्रमा और सूरज बनाए जाते हैं। प्रेम का प्रतीक तोता मैना का चित्र भी इसमें उकेरा जाता है। नव दंपत्ति के जीवन में प्रेम और उल्लास सदैव बना रहे, इस कामना के साथ प्रकृति के बेल बूटों से लेकर पशु पक्षी, जल जीव, फल फूल को कोहबर में मूल स्थान दिया जाता है। प्रकृति की सृजनशीलता के साक्ष्य बने इन चित्रों से कोहबर कक्ष को सजाया जाता है, जिसमें सांकेतिक रूप में गृहस्थ जीवन के शुभारंभ के साथ संतति के विकास की अगली कड़ी के रूप में वर वधु को स्त्री पुरुष के समागम के महत्व से परिचित कराया जाता है। इस कक्ष में कमल, बांस, केले का पत्ता एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में चित्रित किए जाते हैं। माना जाता है कि केला और बांस के वृक्ष तेजी से वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार मछली की प्रजनन क्षमता तोता, सुग्गा और कछुआ को दीर्घायु बढ़ाने का प्रतीक कह सकते हैं। चिरई और सांप का जोड़ा वंश वृद्धि से संबंध रखते हैं। नैना जोगिन के चित्र का उद्देश्य वर के प्रेम के ऊपर तांत्रिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। कमल पुष्प जो कीचड़ में खिलकर अपनी सौंदर्य आभा से सबको प्रफुल्लित करता है, उसका भी इसमें चित्रण किया जाता है। कुल मिलाकर नव जीवन की सुखद शुभारंभ के शुभ संदेश देते हुए प्रकृति के विभिन्न उपादान जैसे बेल बूटों, फूल पत्तियों, शाखाओं टहनियों से सजे इस कक्ष में विविध प्रतीकों और चिन्हों के रूप में उसके माध्यम से हम नव वर वधु को गूढ़ संदेश देने के प्रयोजन से ही इस पूरे कक्ष को चित्रों से बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। कुछ कहे बिना ही संकेतों में कहने की कला लोक संस्कृति की अपनी ही विशेषता है, और अनगढ़ सी दिखने वाली ऐसी असंख्य लोक कलाओं की मूक अभिव्यक्तियों को अभी तो समझना बाकी है।
अब दोस्तों जो हमारे बॉर्डर में जो कि डिज़ाइन रह गए हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, जिसके बाद हमारी पेंटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और पेंटिंग में जहाँ पे ये जो सर्कल रह गए हैं ना बड़े वाले, यहाँ पे मैं अपने रेड जेल पेन से बहुत ही बारीकी से यहाँ पर देखिए मैं स्टेप से वर्क करूँगी, जिससे ये पूरी की पूरी पेंटिंग एकदम फिलिंग वाली लगेगी, अच्छे से फिल हो चुकी है ऐसा आपको लगेगा। और पहले मैं जितनी पेंटिंग में आपने देखा था जो भी मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग्स रह गई थी, जैसे बॉर्डर के डिज़ाइन रह गए थे, वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सेंटर एरिया में जो सर्कल में जो खाली खाली से जगह दिख रहा था उनको मैंने रेड जेल पेन से अच्छे से फिल कर लिया है, जैसे मेहंदी में डिजाइन होते हैं ना उसी टाइप के डिजाइन मैंने यहाँ पे इसके बीच में बनाए हैं उसकी फिलिंग को करने के लिए। अब ये पेंटिंग हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये पेंटिंग, और अगर आपको इस टाइप की पेंटिंग को बनाना है तो आप भी इसी टाइप से मेथड से बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो पूरा पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है अभी। और इसमें ये डिजाइन बनते हैं, इसमें एक बीच में पुरैन बनाया जाता है और तीन पुरैन इधर बनाए जाते हैं और तीन पुरैन इधर बनाए जाते हैं, जो कि पास में एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ताकि जो हमारे वर वधु हैं वो भी आपस में इसी तरह से कनेक्टेड रहें जीवन भर के लिए। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु बनाए जाते हैं, जो देखिए फिश है, टर्टल है और बिच्छू है, स्नेक है, इस टाइप से छोटे छोटे जंतु बनाए जाते हैं, जो कि जीवन में आने वाले बहुत सारे उतार चढ़ाव को हमें बैलेंस करके लाइफ को चलाना है उसके प्रतीक है, कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं लेकिन उनको पार करते हुए हमें फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है जीवन भर के लिए। और इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर शिव पार्वती माता का मैंने डायग्राम बनाया है, क्योंकि जो शिव पार्वती माता होते हैं वो ना उनकी फैमिली पूरी फुलफिल है, और देवी देवताओं में आप जानते ही हैं कि इनका परिवार सबसे अच्छा है, और इसीलिए इनको चित्रित किया जाता है। यहाँ पे पैरोट का जोड़ा बना सकते हैं या फिर आप पिकॉक का जोड़ा बना सकते हैं, और यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे बांस बनाया जाता है, बांस का वृक्ष है, बांस परिवार की वृद्धि का प्रतीक होता है, जिस तरह से कि है ना बांस की हमेशा निरंतर वृद्धि होती रहती है, उसी तरह से जो हमारे वर वधु हैं उनकी भी परिवार की निरंतर वृद्धि हो चुके इसीलिए बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कपल के प्रेम को दर्शाते हुए यहाँ पर ये इस टाइप के डिजाइन बनाए जाते हैं कपल्स वाले, और यहाँ पे वर वधु की मैरिज फंक्शन को बनाया जाता है और उनकी ड्रेसअप उसी टाइप से किया जाता है गेटअप, और यहाँ पे उनके जो हाथी पूजन करते हुए जो बनाए जा सकते हैं, इसमें हाथी पूजन करके बना सकते हैं। ये देखिए हाथी को पूजती हुई जो हमारी दुल्हन है वो बनाई गई है यहाँ पे, और इसमें इसी टाइप से बीच में भी एक जो बांस का वृक्ष है वो बनाया गया है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा परिवार वृद्धि का प्रतीक। तो इस टाइप का ये जो पूरा पेंटिंग है इस टाइप से बनाया जाता है, ब्लेसिंग्स देते हैं जो, और शंख बनाया जाता है इसमें। तो इसको मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ ये पेंटिंग कितना बड़ा है एक्चुअली में।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको कोहो पर पेंटिंग का ये डिटेल्ड वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और देखने के लिए थैंक यू।